हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में कुछ इस प्रकार से बुक शॉप का पोस्टर बनाना सीखेंगे तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग भी इस प्रकार से बुक शॉप का पोस्टर बना सको दोस्तों इस पोस्टर को बनाने के लिए जो भी पीएनजी पीएलपी मटेरियल यूज हुआ है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहां जा उसको डाउनलोड कर सकते हो लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हुआ है जो इस वीडियो में आप लोग को तीन स्टेप में मिल जाएगा दोस्तों अगर आप लोग को पी चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप लोग वहाँ जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो तो दोस्तों पोस्टर बनाने के लिए पिक्चर लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं एप्लीकेशन को ओपन करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे स्क्रीन पे आ जाएगा यहाँ पे न्यू टेक्स्ट को हम लोग डिलीट कर देंगे उसके बाद राइट साइड कॉर्नर में ऊपर की साइड पे थ्री डॉट के निशान पे क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके ओपन पीएलपी फाइल पर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे पी एल पी पे क्लिक करेंगे यहाँ निशान पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फाइल को डाउनलोड करके सेव करके रखा हुआ है वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन कर लेंगे यहाँ पे बुक शॉप पे क्लिक करेंगे बुक शॉप पी एल पी पे क्लिक करेंगे यहाँ ओपन एंड ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ ओके कर देंगे उसके बाद बैक हो जाएंगे तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा पी एल पी फाइल ओपन हो जाएगा अब इस पी एल पी फाइल में हमको जो भी चेंज करना है वो चेंज करके हम लोग अपना पोस्टर तैयार करेंगे इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बनाए वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने चेंज करना है उसे अनलॉक करके या डिलीट करके हम लोग चेंज कर सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ पे मैंने लकी बुक डीपो डिपो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे अगर चेंज करके अपने शॉप का नाम लिखना चाहते हो तो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लकी बुक डिपो लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपने डिपो का नाम लिख देंगे अपने बुक शॉप का नाम लिख के ओके कर देंगे उसी प्रकार से आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने हमारे यहाँ एक से बारहवीं कक्षा तक की सभी किताबें कापी एवं स्टेशनरी उचित मूल्य पर उपलब्ध है अगर आप लोग के यहाँ पे इससे भी ज़्यादा स्टेशनरी उपलब्ध है तो वो भी आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी लिखा हुआ है वहाँ पे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे उसके बाद ओके कर देंगे अब दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने कुछ स्टेशनरी की फ़ोटो पी लगा रखा है आप लोग अगर कुछ और ऐड करना चाहते हो तो चेक यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके लिए आप लोग को प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करके फ्रॉम गैलरी में जाके फ़ोटो पीएनजी ऐड कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने पता जनता विद्यालय के पास भटनी रोड देवरिया लिखा हुआ है आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन बना है वहाँ पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी पता लिखा हुआ है वहाँ पर पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल के ओके कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे मैंने प्रो में लकी डिस्पोजल लिखा हुआ है आप लोग अपना नाम और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो इसके लिए प्लस के बगल में जो आइकॉन है वहाँ पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी प्रो लकी डिस्पोजल लिखा हुआ है वहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेंगे पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करेगा और यहाँ पर अपना नाम लिख के ओके कर देंगे अब दोस्तों यहाँ पे जो पोस्टर का बैकग्राउंड है उसका कलर आप लोग को पसंद नहीं है तो उसे भी चेंज कर सकते हैं इसके लिए लास्ट में जो आइकॉन बना है वहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके ह्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको प्लस माइनस करके हम लोग पोस्टर का कलर चेंज कर सकते उसके बाद ओके कर देंगे अब दोस्तों इस पोस्टर को हम लोग गैलरी में कैसे सेव करें इसके लिए शेयर वाले आइकॉन पर क्लिक करेंगे इमेज फॉर्मेट में PNG एन सिलेक्ट करेंगे क्वालिटी डायमेंशन में अल्ट्रा सिलेक्ट करेंगे और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देंगे दोस्तों इस प्रकार से हमारा पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग को किसी फेस्टिवल का या अपने शॉप का बैनर बनवाना है तो कमेंट करके बता दीजिएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा जिससे आप लोग मोबाइल से ही पोस्टर बना सको दोस्तों वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जय हिंद जय जैही भारत